उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं सुरेंद्र मेहतानी जी, बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें डिसाइड कर दी हैं और कानपुर में भी एक उपचुनाव होना है, तो लगातार जिस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं, समाजवादी पार्टी ने फिर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी को टिकट दे दिया। हाँ, देखिए समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है, पिछले लोकसभा के चुनाव में आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने बार बार दिए हुए टिकट को बदल दिया, और वहाँ पर जो चर्चा है, जो चर्चाएं निकल करके आ रही हैं, उसमें लोगों का ये कहना है कि ये दोबारा टिकट कटेगा और किसी दूसरे को मिलेगा। लेकिन ये विषय हमारा नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का विषय है। वो पार्टी जाने कि उसने क्या करना है, लेकिन चूंकि पिछले लोकसभा के चुनाव में उनकी गतिविधियां रही हैं, इसलिए ये चर्चा इन लोगों का करना स्वाभाविक है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है कि हम कैडर बेस्ड लोग हैं जो पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा करते हैं, और एक एक बूथ पर, एक एक गली में हमारा कार्यकर्ता अपने भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की यानी मोदी जी की और योगी जी की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाता है, उनके सुख दुख में खड़ा होता है। इजी कनेक्टिविटी और इजी अवेलेबिलिटी के आधार पर हमारा कार्यकर्ता और हम सब लोग जनता की सेवा करते हैं, जिसके आधार पर इस उपचुनाव को हम जीतेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेगी। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जनता जो पिछले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ फैलाया, जिसके आधार पर कुछ लोकसभा की टिकट पा गए और उस आधार पर लोकसभा की सीटें कुछ पा गए, उस आधार पर पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल इन्होंने शुरू कर दिया था, वो तो धन्य है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था को जीरो टॉलरेंस पे चलाने के संकल्प के साथ उस स्थिति को नियंत्रित किया है। वरना ऐसे अराजकता सड़कों पर प्रारंभ अभी से कर दी, इनका चरित्र अभी से दिखने लगा है। लेकिन जनता चूंकि हरियाणा के चुनाव में भी उसने उस झूठ को अब नहीं माना जो बराबर इनके द्वारा फैलाया जा रहा है, जनता समझ चुकी है कि आरक्षण बदलना होता, संविधान में परिवर्तन करना होता, तो मोदी जी 10 वर्ष से देश में शासन में प्रधानमंत्री थे तो वो बदल सकते थे, लेकिन कोई बदलने का इरादा ही नहीं था। और अब जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, तब भी ना आरक्षण बदला गया, ना कहीं संविधान में कोई बदलाव हुआ। इसलिए अब ये भी जो भी झूठ फैलाएंगे उसको जनता समझती है, और जनता भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करेगी। तो ये कोई सीट किसी की है ऐसा जनता नहीं मानती है, क्योंकि ये भ्रम कांग्रेस भी इस आज़ाद देश में शुरू से पालती रही है, समाजवादी पार्टी ने भी पाला, और हरियाणा में उसका पूरा जवाब जनता ने दे दिया है। इसलिए सीट किसी की नहीं है। और जहाँ तक वोट की बात है, तो चूंकि वहाँ से समाजवादी पार्टी के ही अंदर से जब ये बातें निकल रही हों कि इनकी टिकट लास्ट तक रहेगी कि नहीं, यही संशय है, तो फिर इस पर हम आगे कुछ कहने का मतलब नहीं। हम अपनी तैयारी पूरी किए हुए हैं, एक एक बूथ हमारे कंप्लीट है, एक एक लोगों से हमारा संपर्क हो रहा है, और हम लगातार सीसामऊ विधानसभा चुनाव को अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से प्रारंभ से ही लड़ रहे हैं। हमारे साथ थे बीजेपी विधायक, उन्होंने बताया कि जो सीट है इस पर लगातार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो क्षेत्रीय लोग हैं, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम लोग मेहनत करके ये सीट जरूर जीतेंगे। कानपुर से बीडीजन नीनू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी जी ने